हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आई होप ऑल आर डूइंग वेल सो फ्रेंड्स आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी फ्रेंड्स आज बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में शेयर का नेम है एसबीआई बैंक का शेयर जानेंगे कि आपको किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आपको मैं एक शॉर्ट टर्म एंड एक लॉन्ग टर्म टारगेट ज़रूर दूंगी एंड फ्रेंड्स इस शेयर से रिलेटेड तीन गुड न्यूज़ भी निकल के आई हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी सो so दैट आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें तो फ्रेंड्स एस शेयर का करेंट प्राइस चल रहा है फोर आज भी इसमें वन की तेज़ी दिखाई दी है फ्रेंड्स माना जाता है कि पी एस यू बैंक्स में सबसे बेस्ट बैंक का शेयर है अगर आप किसी बैंकिंग शेयर में आँखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वो एस बी आई शेयर है मैं आपको इसका सपोर्ट लेवल बताऊँगी जहाँ से ये इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है वो है फ्रेंड्स फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट लेवल को ये इतना ईजीली फ्रेंड नहीं तोड़ सकता लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट शेयर माना जा रहा है बे बैंकिंग सेक्टर का एंड एडवाइस ये है कि जितना गिरावट हो जितना मार्केट डिप में जाए आपको उतना ही डिप में इसे खरीदना चाहिए और इसकी एवरेज करनी चाहिए फ्रेंड्स सिक्स मंथ्स में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है टेन परसेंट आपको पता है ग्लोबल इशू चल रहा था उसके रीजन से मार्केट डाउन गई बट स्टिल इस शेयर ने फिर भी एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को इस टाइम पे फ्रेंड्स एक कंसोलिडेशन जोन में मूव कर रहा है फोर फिफ्टी टू फाइव ट्वेंटी फ्रेंड्स फोर फिफ्टी तक जाता है उसके बाद दोबारा फाइव ट्वेंटी तक आता है एंड देन दोबारा नीचे जाता है बट फ्रेंड्स ये अपने इस कंसोलिडेशन जोन को बहुत जल्दी तोड़ेगा बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट्स बहुत ही हाई हैं फ्रेंड्स बात करेंगे इसके गुड न्यूज़ के बारे में जो शेयर से रिलेटेड निकल के आई है फ्रेंड्स आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि इस बैंक की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद अदर विद अदर बैंकिंग बैंक्स इस बैंक की जो बैलेंस शीट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस बैंक का जो रिटर्न रेशो है फ्रेंड वो भी काफ़ी स्ट्रांग है एंड इसका हाई क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो पे बिलीव करते हैं ये अब फ्रेंड्स आगे फ्यूचर में ये हो सकता है बिकॉज़ जैसे ही महंगाई बढ़ रही है आपको पता है सारे आइटम्स थोड़े बहुत महंगे हो रहे हैं जैसे ही महंगाई बढ़ रही है तो आर ब्याज को इनक्रीज़ कर सकती है चांसेस है फ्यूचर में तो फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है तो अदर बैंक्स में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है वो नीचे आते हैं लेकिन जो एस बैंक है उसके एसेट्स काफ़ी स्ट्रांग है तो वो बैंक इतना नीचे नहीं जाएगा अगर फ्यूचर में आर ब्याज को इनक्रीज़ करता है स्टिल फिर भी एस बैंक का शेयर अपने प्राइस में इतना अफेक्ट नहीं करने देगा तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है एस बैंक का कि अगर महंगाई बढ़ेगी फ्यूचर में एंड फ्रेंड्स बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है एंड सारे बैंकिंग सेक्टर में सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बैंक का शेयर है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस टाइम पे एंट्री लेना चाहते हैं तो ज़रूर एंट्री लेके रख सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट मैं आपको दूंगी फाइव ट्वेंटी का एंड लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स से आपको सिक्स हंड्रेड क्रॉस होते दिखेगा सो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट एस बी आई बैंक शेयर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस दिस शेयर यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स एंड अगर चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलेगा बिकॉज कोई भी न्यूज एंड अपडेट आती है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना के आपको न्यूज़ ज़रूर बताती हूँ बिकॉज न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ही मस्ट होता है फ्रेंड शेयर मार्केट में एंड थैंक्स वंस अगैन एंड फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी वहाँ पे. थैंक यू सो मच